हेलो एवरीवन, दिस इज रूपाली। आप सभी का स्वागत है स्पारिंग टीचर्स में। सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर बीएड फर्स्ट ईयर जो आप लोगों का सब्जेक्ट चल रहा है लर्निंग एंड टीचिंग, और टॉपिक है आपका स्ट्रैटेजीज ऑफ टीचिंग, कि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज कौन सी होती हैं शिक्षण की। एक शिक्षक अलग अलग तरीके से डिफरेंट स्ट्रैटेजी को यूज करके कैसे पढ़ाता है, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में डेफिनेटली आता है। इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप लोगों को करना है ये क्वेश्चन। अगर हम मैं स्ट्रैटेजीज की बात करूं तो आपके पास डिफरेंट स्ट्रैटेजीज मिल जाती हैं जो आपके पेपर में पूछी जाती हैं। फर्स्ट इज लेक्चर मेथड, सेकेंड इज ब्रेनस्टॉर्मिंग, विचार मंथन करना, देन आपका आ जाता है यहां से डेमोन्स्ट्रेशन, देन आता है साइमुलेशन। ये चार टेक्निक्स का जिक्र किया गया है आपके सब्जेक्ट के अंदर। अब इन चार टेक्निक्स के बारे में हम यहाँ पर पहले एक टेक्निक को समझेंगे, ठीक है? स्ट्रैटेजीज ऑफ टीचिंग का टॉपिक क्या है कि एक टीचर, बीइंग अ टीचर, आप सभी भी स्टूडेंट्स, अभी स्टूडेंट्स से टीचर बनोगे अपना बीएड क्लियर करने के बाद, सीटेट टेट वगैरह एग्जाम देने के बाद, तो भी आप सभी स्टूडेंट्स टीचर्स बनेंगे, राइट? तो अब आप लोग, क्योंकि आपकी क्लास के अंदर डाइवर्सिटी होती है, अब उस डाइवर्सिटी को हैंडल करने के लिए आप कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करोगे, अलग अलग बच्चे के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करोगे कि आपका जो पढ़ाया हुआ है वो सामने वाले को समझ में आए, तो वो कौन सा स्ट्रैटेजी लोगे? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे लेक्चर मेथड से, जो कि बेसिक बहुत सिंपल है। लेक्चर मेथड क्या होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, व्याख्यान विधि। क्या कहते हैं हम लोग, व्याख्यान विधि। इंदु, आप एक बार एप्लीकेशन पे जाके चेक कीजिए कि आपको कोर्स प्रोवाइडेड है या नहीं है, राइट? यह सामान ये आपकी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के लिए यूजफुल है, जैसे कि बात की जाए आपका CRSU यूनिवर्सिटी, आप लोगों का कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, यहाँ से सभी जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी है, DBRAU यूनिवर्सिटी, सभी में ये टॉपिक है आपका। MDU यूनिवर्सिटी, यहाँ से CCSU यूनिवर्सिटी, या फिर आपकी SNDT यूनिवर्सिटी, आई थिंक SNDT यूनिवर्सिटी है उनके लिए भी, और भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं, तो वो भी उनके लिए भी एप्लीकेबल होगा, राइट? चलिए अब यहां से कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहां से कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ये व्याख्यान विधि क्या कहता है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो एक व्याख्यान विधि क्या होता है कि एक टीचर है और वहां पर जितने भी डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखो, लेक्चर मेथड जो यूज किया जाता है, ठीक है, लेक्चर मेथड जो यूज किया जाता है कि एक शिक्षक कम समय में ज्यादा स्टूडेंट्स को कवर करती है, ज्यादा टॉपिक्स कवर करती है, और यहाँ पे जो हेड होता है, मींस जिसका एक्टिव रोल होता है, वो कौन है, टीचर का। टीचर, जैसे कि इस समय मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, ये एक तरीके से आपके लिए लेक्चर ही है जो क्लास आपको मिल रही है, ठीक है? आपको, आप सभी को एक पॉइंट्स को, इन टॉपिक्स को डिस्कस किया जा रहा है 1-to-1, जिसमें एक्टिव रोल किसका है, टीचर का है। टीचर सारे पॉइंट्स डिस्कस कर रही है आप लोगों के साथ, एक बार डिस्क्राइब कर रही है, तो वही विधि जो होती है या वही मेथड जो होता है, उसे ही लेक्चर मेथड कहते हैं। यहाँ पे जितने भी ये स्टूडेंट्स हैं, इन सभी का पैसिव रोल है,
निष्क्रिय रोल है। क्यों? क्योंकि ये सारे स्टूडेंट्स एक्टिवली एंगेज्ड नहीं है लेक्चर मेथड के अंदर, सिर्फ टीचर अपना टॉपिक। अब इसके कुछ खासियत भी होंगी, ऑब्वियसली लेक्चर मेथड मींस कि हम लोग कम समय में ज्यादा स्टूडेंट्स को कवरेज कर रहे हैं, तो इसका एडवांटेज मैं यहाँ से बात करूं, इसके एडवांटेज की यहाँ से बात की जाए, पहली एडवांटेज है इट सेव्स टाइम। ये टीचर का टाइम सेव करता है, राइट कि एक शिक्षक कम समय में ज्यादा टॉपिक्स कवर कर सकती है, वाइड ऑडियंस को कवर कर सकती है, एक ही बार लेक्चर देगी, 500-500 बच्चे सुन लेते हैं, हजारों बच्चे सुन लेते हैं, तो वो लेक्चर मेथड आपका इसलिए इस्तेमाल आता है। फाइन, नेक्स्ट नेम, नेक्स्ट की अगर बात की जाए, ये आप लोगों का लार्ज ऑडियंस कवर करती है, ये लार्ज ऑडियंस को कवर करती है, ये लार्ज ऑडियंस को कवर करती है, मींस कि वाइड नंबर ऑफ पीपल यहाँ से कवर होते हैं, क्योंकि कम समय में बच्चे ज्यादा सुन पाते हैं और यहाँ से ज्यादा टॉपिक्स भी कवर हो पाते हैं, ठीक है। अब देखो लेक्चर मेथड में जब यहाँ पे ज्यादा ऑडियंस हम लोग कवर कर सकते हैं, तो इसी के अंदर हम लोग उनको मोटिवेट भी करते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, हम उन बच्चों को गाइड भी करते हैं। एडवांटेज हो गया कि टीचर एक ही बार बताएगी और उससे सभी बच्चों को, इतने सारे बच्चों को गाइड कर रही है कि कैसे क्वेश्चन को प्रेजेंट करना है, कैसे क्वेश्चन लिखना है। क्लियर है? ये तो बेसिक पॉइंट्स है जो आप लोगों को बेसिकली पता ही होंगे। फिर उनको यहाँ से समय समय पर उनके जितनी भी मिस्टेक्स हो रही हैं, जो भी वो कर रहे हैं, उनको रिव्यू भी करती है टीचर। क्या करती है? रिव्यू भी करती है यहाँ से टीचर। क्लियर? अब देखो जब हम लोग यहाँ पे कम समय में ज्यादा ऑडियंस कवर कर रहे हैं, उन बच्चों को मोटिवेट, गाइड सारी चीजें कर रहे हैं, तो इसके आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? और भी अगर बेनिफिट की यहाँ से बात की जाए, तो और बेनिफिट आपको क्या मिल सकता है? यहाँ से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। अब लेक्चर देते समय, ये तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, बट अगर हम लोग फेस टू फेस इंटरेक्शन करें, राइट, हम लोग किसी ऑडिटोरियम में क्लास के अंदर बैठे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? आप लोग डायरेक्टली टीचर से क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो कि मैम ये डाउट हमें क्लियर नहीं हुआ है, तो यहाँ से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट रहता है किसके बीच में? एक शिक्षक और एक स्टूडेंट के बीच में लेक्चर मेथड के अंदर। ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, कंट्रोल ओवर स्टूडेंट्स। कंट्रोल ओवर स्टूडेंट्स का मतलब क्या है कि अब एक कंट्रोल किसके ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर कौन रख सकता है? ऑब्वियसली बात टीचर, क्योंकि टीचर सारे टॉपिक्स उसको समझा रही है, बच्चे को हर एक चीज को, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को कवर कर रही है, तो यहाँ से पूरा कंट्रोल एक क्लास का, स्टूडेंट्स का, सब्जेक्ट का किसके ऊपर रहेगा? एक शिक्षक के ऊपर रहेगा। तो यहाँ से टीचर स्टूडेंट्स को कंट्रोल करके रखती है। मास्टरी ओवर द कॉन्टेंट। अब सिंपल सी बात है, आप ये लेक्चर क्यों सुनोगे? जब आपको लगेगा कि जो सामने वाला शिक्षक है या टीचर है, वो आपको बिल्कुल सही गाइडेंस दे रहा है, सही टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा है और बहुत आसान भाषा में कर रहा है, जो कि आपको समझ में आ रहा है, तो अगर उस टीचर की आप उस सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी होगी, तो वो आप लोगों बच्चों को अच्छे से कॉन्टेंट डिलीवर कर पाएगी और बच्चा उसको इंटरेस्ट के साथ सुनेगा, बोर नहीं होगा, ठीक है। जो एक टीचर होती है, यहां पे मैंने क्या बताया, जो एक टीचर होती है वो बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड होकर आती है एक क्लास को लेने से पहले, एक शिक्षक वेल प्रिपेयर्ड होकर आती है कि उसको कैसे एक क्लास को बताना है, ये क्लास में बताना है, समझाना है, ये टॉपिक कैसे डिलीवर करना है, तो एक टीचर बच्चे के साथ यहाँ से पहले से ही प्लानिंग कर कर आती है, ठीक। इकोनॉमी ऑफ टाइम एंड मनी।
अब देखो एक लेक्चर की ऑब्वियस सी बात है टीचर को भी पे करना पड़ेगा, अगर टीचर अपना समय दे रहा है तो आप लोग भी क्लासेस लेते हो वन टू वन, तो अगर एक ही टाइम पर इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉस्ट कम लगेगी, ठीक है, तो कॉस्ट भी कम लगेगी और टाइम भी तो बच रहा है ना, उस टीचर को अलग अलग टाइम नहीं देना पड़ रहा है, वो एक ही बार में सभी स्टूडेंट को कवर कर ले रही है, तो यहाँ से उसका टाइम भी बचता है और कॉस्ट भी बचती है, तो ये आप लोगों के क्या हो गया है यहाँ से सारी की सारी करेक्टरिस्टिक्स या एडवांटेज हो गई है कि लेक्चर मेथड क्या होता है। अब आपके पेपर में जब क्वेश्चन आएगा कि एक कोई भी स्ट्रेटजी आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकती है या फिर चारों स्ट्रेटजीज आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकती है, इसके अंदर आपको एक एक स्ट्रेटजी को चार चार नंबर के अंदर एक्सप्लेन करना होगा, अगर फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग, तो चारों स्ट्रेटजीज को आपको एक्सप्लेन करना होगा, कोई भी अगर एक आ जाती है तो एक स्ट्रेटजी क्या, आप लोग एक स्ट्रेटजी को कैसे अटेम्प्ट करोगे वो सुन लो, यहां से मीनिंग लिखोगे सबसे पहले उसके बारे में, फिर उसका आप लोग प्रोसेस लिख सकते हो, उसका एडवांटेजेस लिख सकते हो, डिसएडवांटेजेस लिख सकते हो अगर सिंगल आप लोगों के पास आ जाए, ठीक है, रोल ऑफ अ टीचर, रोल ऑफ अ स्टूडेंट, ये सारी चीजें पॉइंट्स के अंदर मेंशन कर सकते हो अगर आप लोगों का ये एक ही स्ट्रेटजी 16 नंबर में आती है तो। क्लियर है? चलिए थैंक यू सो मच, ये छोटा सा आपको स्ट्रैटेजी लेक्चर मेथड क्लियर हुआ होगा, क्लियर है तो सेशन को लाइक शेयर जरूर करें, थैंक यू।